हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन राफेल और पाकिस्तानी एफ़ सिक्सटीन के बारे में बताऊंगा दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि कुछ दिनों पहले फ्रांस ने इंडिया को फर्स्ट बैच का फाइव राफेल दिया है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं टोटल डिस्कशन करूंगा कि राफेल वर्सेस एफ सिक्सटीन में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है किसकी कितनी स्ट्रेटजी है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको राफ़ेल के बारे में बताता हूँ उसके बाद दोस्तों मैं आपको एफ सिक्सटीन के बारे में बताऊँगा तो दोस्तों यदि हम राफेल के बारे में बात करें तो दोस्तों राफेल एक मल्टी लेयर फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे दो इंजन के साथ में बनाया गया है और दोस्तों राफेल एक फोर पॉइंट फाइव जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों राफेल को फ्रांस की कंपनी डोसॉल्ट एविएशन ने बनाया है और दोस्तों राफ़ेल को हम एंटी न्यूक्लियर स्ट्राइक्स एंटी शिप स्ट्राइक्स एंड डेप्थ ऑपरेशन में हम पूरी तरह से यूज कर सकते हैं दोस्तों राफेल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है बाईस सौ बाईस किलोमीटर पर आवर एट हाई एल्टीट्यूड यानी दोस्तों जो राफेल है वो हाई एल्टीट्यूड पे भी अपनी स्पीड को पूरी तरह से मेंटेन रखेगा दोस्तों अभी तक इंडिया को फर्स्ट बैच का फाइव राफेल अभी तक दिए जा चुके हैं यदि हम दोस्तों एफ़ सिक्सटीन के बारे में बात करें दोस्तों तो एफ़ सिक्सटीन भी एक वर्ल्ड का मोस्ट सक्सेसफुल फाइटर एयरक्राफ्ट है और दोस्तों एफ़ सिक्सटीन एक फ़ोर्थ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों एफ सिक्सटीन को यू एस ए ने नाइनटीन सेवेंटी थ्री में सबसे पहले बनाना स्टार्ट किया था और दोस्तों एफ़ सिक्सटीन एक सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों जो एफ सिक्सटीन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर पर आवर है और दोस्तों अभी तक दुनिया में लगभग पच्चीस कंट्रीज़ हैं जो कि एफ़ सिक्सटीन को पूरी तरह से यूज़ कर रही हैं उनमें दोस्तों पाकिस्तान भी है यदि दोस्तों मैं आपको राफ़ेल और एफ सिक्सटीन के डिफरेंस के बारे में बात करूँ तो दोस्तों जो एफ सिक्सटीन है वो यूएसए की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है वहीं दोस्तों राफेल को फ्रांस की कंपनी डिसोल्ट एविएशन ने बनाया है दोस्तों एफ सिक्सटीन एक सिंगल इंजन का फाइटर एयरक्राफ्ट है वहीं दोस्तों राफेल एक ट्विन इंजन का फ़ाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों एफ सिक्सटीन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर पर आवर है वहीं दोस्तों राफेल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो बाईस सौ बाईस किलोमीटर पर आवर है दोस्तों एफ सिक्सटीन एक फोर्थ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है वहीं दोस्तों राफेल एक फोर पॉइंट फाइव का फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों जब यू ने नाइनटीन थ्री में एफ सिक्सटीन को बनाना स्टार्ट किया था तो नाइनटीन सेवनटी थ्री से लेकर अभी तक लगभग फोर्टी सिक्स हंड्रेड एफ सिक्सटीन बनाए जा चुके हैं जो कि दोस्तों तीन हज़ार लगभग एफ सिक्सटीन पच्चीस कंट्री में काम कर रहे हैं यानी कि सर्विसबल कंडीशन में हैं वहीं दोस्तों राफ़ेल को सबसे पहले 1986 में फ्रांस कंपनी के द्वारा बनाना स्टार्ट किया गया था तो दोस्तों 1986 से लेकर अभी तक लगभग 201 राफ़ेल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं इसके अलावा दोस्तों एफ सिक्सटीन में जो राडार सिस्टम लगा है वो 20 टारगेट्स को 84 किलोमीटर के रेडियस में मार कर सकता है वहीं दोस्तों जो राफेल में राडार सिस्टम लगाया गया है वो फोटी टारगेट्स को हंड्रेड किलोमीटर के रेडियस में पूरी तरह से नष्ट कर सकता है दोस्तों जो एफ सिक्सटीन में मिसाइल लगी हुई है वो वो है एम आर एम मिसाइल है जो कि हंड्रेड किलोमीटर तक के टारगेट को नष्ट कर सकती है दोस्तों एम आर ए एम का फुल फॉर्म है एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल वहीं दोस्तों राफेल में तीन मिसाइल लगाई गई हैं पहली है एम ई टी ई आर मिसाइल जो एयर टू एयर वन फिफ्टी के एम टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है इसके बाद दोस्तों इसमें स्कल्प नाम की एक मिसाइल लगाई गई है जो कि जमीनी स्तर पर 300 किलोमीटर के टारगेट को पूरी तरह से नष्ट और नाबूद कर सकती है इसके अलावा इसमें एक एडवांस लेवल की हैमर नाम की मिसाइल लगाई गई है जिसे 200 इमरजेंसी में हम इमीडिएटली लोड कर सकते हैं दोस्तों जो एफ सिक्सटीन की जो लोड लोडिंग जो कैपेसिटी है वो ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी टू किलोग्राम्स है वहीं दोस्तों जो राफ़ेल की लोडिंग कैपेसिटी है वो है ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोग्राम्स दोस्तों जो एफ सिक्सटीन की कॉम्ब रेडियस है वो है फोर्टी टू हंड्रेड किलोमीटर वहीं दोस्तों जो राफेल की कॉम्ब रेडियस है वह है थर्टी सेवन हंड्रेड के एम यदि दोस्तों मैं राफेल की मेजरमेंट के बारे में बात करूं दोस्तों राफेल की जो हाइट है वो 5.30 मीटर है वहीं दोस्तों जो एफ सिक्सटीन की हाइट है वो है 5.09 मीटर दोस्तों राफेल की जो लेंथ है वो 15.30 पॉइंट थ्री मीटर वहीं दोस्तों जो एफ सिक्सटीन की लेंथ है वो है 15 मीटर यदि मैं दोस्तों बिग स्पेन लेंथ की बात करें दोस्तों तो जो राफेल की बिंग स्पेन लेंथ है वो टेन मीटर वहीं दोस्तों एफ की है नाइन मीटर दोस्तों राफेल को सबसे पहले 1986 में बनाना स्टार्ट किया गया था और दोस्तों अभी तक लगभग दो राफ़ेल बनाए जा चुके हैं वहीं दोस्तों एफ सिक्सटीन को सबसे पहले 1973 में बनाना स्टार्ट किया गया था जो कि अभी लगभग 4600 बना दिए गए हैं और उनमें से 3000 अभी 25 कंट्रियों में पूरी तरह से यूज किए जा रहे हैं यदि दोस्तों मैं राफ़ेल और एफ सिक्सटीन के पावरफुल के बारे में बात करूं दोस्तों तो राफ़ेल के पास ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं जो कि एफ सिक्सटीन की तुलना में पावरफुल हैं जैसे दोस्तों राफेल एक फोर पॉइंट फाइव जनरेशन का फ़ाइटर एयरक्राफ्ट है वहीं दोस्तों एफ सिक्सटीन एक फोर्थ जनरेशन का फ़ाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों राफेल में ऐसे डिफेंस सिस्टम लगा ऐसे मिसाइल सिस्टम लगा है जो कि उसकी रेंज को बढ़ा देते हैं वहीं दोस्तों एफ सिक्सटीन की जो रेंज है मारक क्षमता वो राफेल की तुलना में कम है तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट राफेल वर्सेस एफ सिक्सटीन दोस्तों मैं आपको राफ़ेल और एफ सिक्सटीन के जो बेसिक डिफरेंस होता है उसके बारे में बता दिया है दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मेरे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे तब तक के लिए बी सेफ एंड बी अलर्ट धन्यवाद जय हिंद